प्लीज माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्षता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ, जब बोला है तब कुछ कह दो यार, कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक 2024 पर विचार किया जाए। मानव जीवन में शिक्षा और चिकित्सा, इन दो की बड़ी आवश्यकता होती है। जैसा अभी पांडे जी ने कहा कि आप हर बात हमारे ऊपर डालते हैं, मैं उनके ऊपर न डालते हुए वास्तविकता से परिचित कराना चाहता हूं कि माननीय योगी जी की सरकार जब से आई तो पढ़ाई और दवाई, इस पर उन्होंने ध्यान दिया। इससे पहले सरकारें क्या करती थी, यानी शिक्षा और चिकित्सा, हर जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज हो, यह योजना बनी और उसको साकार रूप दिया। सिर्फ सैफई विकास का मुद्दा नहीं था, पूरा प्रदेश विकास का मुद्दा रहा। ऐसे ही शिक्षा, इससे पूर्व आश्चर्य की बात है कि आजादी को 70 साल से अधिक हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में से 6 मंडल ऐसे थे जहां पर सरकारी विश्वविद्यालय नहीं था। संकल्प पत्र में योगी जी के जब ये घोषणा हुई कि हम हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय खोलेंगे, 2 साल के अंदर हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय खुल गया है, यह उपलब्धि है। इसी तरह शिक्षा क्षेत्र को अंतिम छोर तक पहुंचाएंगे व्यक्ति के, आज उत्तर प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय के तौर पर लगभग 22 ऐसे संस्थाएं हैं जिनको आमंत्रित किया गया है उत्तर प्रदेश में, और जो यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां वो एक और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाने में मदद कर रहे हैं, वही अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति पर उच्च शिक्षा कैसे पहुंचे, इस पर मदद कर रहे हैं। आज सिर्फ शिक्षा का विस्तार और प्रसार नहीं हुआ, इसमें जो संस्थाएं आ रही हैं वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थाएं हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बन रहा है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, इससे पहले कोई एक विश्वविद्यालय ऐसा नहीं था जो ग्रेडिंग प्राप्त था उत्तर प्रदेश के अंदर। माननीय योगी जी की सरकार में UGC की ग्रेड में 2 विश्वविद्यालय हो गए हैं A1 ग्रेड में। ऐसे ही नेक ग्रेडिंग, नेक रैंकिंग में लगभग सरकारी 7 विश्वविद्यालय ऐसे हैं। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ, सदन को बताना चाहता हूँ कि जो 7 विश्वविद्यालय A++ ग्रेडिंग में आए हैं और 4 विश्वविद्यालय सरकारी A+ ग्रेडिंग के हैं। निजी विश्वविद्यालयों में 6 विश्वविद्यालय A+ ग्रेडिंग को प्राप्त किए हैं और 4 विश्वविद्यालय A ग्रेडिंग को प्राप्त किए हैं, और अब इंटरनेशनल ग्रेडिंग को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहे हैं। यह स्थिति इसलिए हो गई कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा की ओर, उच्च शिक्षा की ओर माननीय योगी जी ने ध्यान दिया। आज इसकी स्थिति यह हो रही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बनता जा रहा है। आप सोचेंगे ग्रेडिंग से क्या लाभ होता है, एक उदाहरण से मालूम पड़ जाएगा आपको कि लखनऊ विश्वविद्यालय में इस ग्रेडिंग से पहले 80 विदेशी छात्र थे, आज 800 से ऊपर विदेशी छात्र पढ़ रहे हैं। तो अभी वो देखते हैं कि किस विश्वविद्यालय में और कौन सा ग्रेडिंग को कितना अच्छा है, वहां जाके एडमिशन लेते हैं। उत्तर प्रदेश अब गुणवत्ता, और जब प्रतिस्पर्धा हो रही है तो गुणवत्ता बढ़ रही है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहा है। इसी के अंतर्गत ये 3 विश्वविद्यालय इस विधेयक में आए हैं, एक शारदा विश्वविद्यालय आगरा, दूसरा सरोज इंटरनेशनल विश्वविद्यालय लखनऊ और तीसरा JSS विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश। ये तीनों अध्यादेश 6 मार्च 2024 को प्रख्यापित किए गए थे। मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि इस प्रस्ताव को पारित किया जाए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी कुछ प्रश्न उठाए इन्होंने और उसमें कुछ सदन को गुमराह करने का भी प्रयास किया। इसमें जिन 3 विश्वविद्यालय के नाम इन्होंने पढ़ा, JSS समाज सेवी संस्था है जो पूरे विश्व में जानी जाती है, और इसके विश्वविद्यालय उदाहरण है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि जाकर देख कर आइए। मैं खुद गया वहां देखने, इसीलिए कि ये जो यहां पर संस्था आ रही है, एक धार्मिक संस्था है वो, और वो यहां पर विश्वविद्यालय खोल रही है।
शारदा विश्वविद्यालय जो खोल रहे हैं, इन्होंने मॉरिशस तक में जाकर विश्वविद्यालय खोला है। थोथे व्यापारी नहीं है ये लोग, समाज सेवा के लिए, शिक्षा के उन्नयन के लिए, शिक्षा को बढ़ाने के लिए। मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपको बड़े धैर्य से सुना है, तो मेरी सुन लीजिए आप, मैं धैर्य से सुना आपको। और जहां तक छात्रों के लाभ की बात, ये वो लोग कर रहे हैं अधिष्ठाता महोदय बात, जिनके जिन्होंने कभी शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया, खुद विदेश शिक्षा पढ़ने गए थे, खुद विदेश शिक्षा पढ़ने गए थे, अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, विदेशों की सैर कराते हैं, वो आज यहां पर प्राइवेटाइजेशन रोका जाए इसकी बात कर रहे हैं। ये तो वो बात हो गई कि किसी को जुकाम हो गया तो उसका इलाज ना कराओ, नाक काट दो, जुकाम ही नहीं होगा। अगर बात सुन लीजिए, अगर किसी सदस्य, अगर किसी माननीय सदस्य शांत रहे, व्यवस्था में अधिष्ठाता महोदय चोट है भाई दवे, तो उसको ठीक करना चाहिए। और ठीक हुआ है, इससे पहले इनके लोगों के भी वो बातें कर रहे हैं जो खुद निजी विश्वविद्यालय चला रहे हैं, ये निजी महाविद्यालय चला रहे हैं, इनमें बैठे मैं जानता हूँ लोगों को, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में वो नहीं, खुद प्राइवेट कॉलेज भी चला रहे हैं। माननीय मंत्री जी, वो ये नहीं है, ये इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ये नहीं चाहते कि अच्छे लोग आ जाए इस प्रतिस्पर्धा में, तो इनके इनके ताजिए ठंडे हो जाएंगे, इसलिए लोग नहीं चाहते। और जहां तक छात्रों की लाभ की बात करते हैं, अगर छात्र पहले मंडलों में, छह मंडलों में हमने खोले विश्वविद्यालय, माननीय योगी जी की सरकार में खोले, इससे पहले वो छात्र कहां जाते थे, यदि मार्कशीट लेने भी जाते थे तो 100-150 किलोमीटर दूर जाते थे, आते थे पर दिन भर ठोकर खाते थे, एक मार्कशीट के लिए एक एक छात्र का कम से कम 1,000-1,500 रुपए खर्च होता था। आज जब उसके मुख्यालय पर, उसके जिले में उसको विश्वविद्यालय मिल रहा है तो वो उसका पैसा बच रहा है, ये व्यवस्था दी है। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के पास शिक्षा कैसे पहुंचे, ये व्यवस्था है ये। और वो आप दिन भूल जाइए जो आप लोगों के दिन थे, जब आप लोगों ने नकल कराई, जब आप लोगों ने पेपर लेक कराए, जब आप लोगों ने पूर्ण विश्वविद्यालय से फर्जी डिग्री दिलवाई, अब फर्जी डिग्री नहीं दे सकता कोई, वो व्यवस्था हो रही है। इसलिए मैं सदन से मांग करता हूं कि इस प्रस्ताव को पारित किया जाए।